नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। अफगानिस्तान को लेकर कई सारी खबरें निकली हैं और दोस्तों पिछले 24 घंटे में आखिरकार अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ है, साथ ही भारत इसको लेकर क्या कर रहा है और भारत ने इमरजेंसी मीटिंग UNSC की क्यों बुलाई है, और साथ ही भारत के जो लोग अभी तक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको लेकर भारत आखिर क्या कर रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चीन और रशिया का स्टैंड काफी बदल चुका है और आखिर चीन का क्या कहना है, साथ ही रशिया का क्या बयान निकल कर आया है। साथ ही दोस्तों तालिबान की वक्ता ने भी कई सारे बयान भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर दिए हैं, इसमें उसने क्या कहा है आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि रशिया की तरफ से ये बयान निकल कर आया है कि काबुल जैसे पहले सुरक्षित नहीं था, आज काबुल तालिबान के जब कब्जे में आ गया है तो काफी हद तक सुरक्षित माना जा रहा है। और दोस्तों इस बयान से यही समझ में आता है कि मानिए काबुल अब तालिबान के कब्जे में आने के बाद रशिया के नजरों में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हो चुका है। और वहीं दोस्तों चीन से ये खबरें निकल कर आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति का मानना है कि वे तालिबान से आने वाले समय में काफी बेहतर रिश्ते बनाएंगे। इसके अलावा UNSC में दोस्तों भारत ने आज UNSC के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको बिठाकर ये साबित करा लिया है कि आखिर तालिबानी सरकार को अभी कोई भी मान्यता नहीं देनी है और कुछ सालों तक तालिबान को देखा जाएगा, जिससे तालिबान आखिर कैसे काम करता है वो सबको परखा जाएगा और उसके बाद सारे देश ये डिसाइड करेंगे कि अब तालिबान को मान्यता देनी है या फिर नहीं देनी है। और ये दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो भारत ने एक बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखा दिया है UNSC की मीटिंग में, जिसमें चीन और रशिया जैसे मेंबर्स भी थे जिन्होंने भी इस बात को मान लिया है। और दोस्तों आज तालिबान में ऐसे हालात बन चुके हैं कि वहाँ के लोग वहाँ पर रहने से ज़्यादा अच्छा मौत को बता रहे हैं और वो किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, चाहे वह हवाई जहाज के पंखों से लटक कर ही भागना क्यों न पड़े। और ऐसे ही दोस्तों भारत ने भी अपने काफ़ी सारे नागरिकों को वहाँ से निकाल लिया है, हमारे ग्लोब मास्टर प्लेन यहाँ पर पहुँचे थे। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो अमेरिका से, कई सारे लोगों का मानना है कि अमेरिका की इसमें सबसे बड़ी हार हुई है और जो बाइडन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने गलत डिसीजन लेने की वजह से ये सारी हार देखनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान की हार हुई है, जो बाइडन ने अफगानिस्तान के नेताओं पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी है और उनका मानना है कि अफगानिस्तान के जो नेता हैं उन्होंने सबसे पहले सरेंडर किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो आर्मी है उनका मॉरल डाउन हुआ और इसी वजह से आर्मी भी अपने हथियार छोड़ने को मजबूर हुई। और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि तालिबान को एक बढ़त मिली और अफगानिस्तानी सेना वहाँ पर पीछे हटी। और वहीं दोस्तों आपको बताएं कि अफगानिस्तान में जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है, और अगर सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट किसी भी देश को पड़ता है तो वो देश हैं भारत, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश जो कि अफगानिस्तान के बहुत ही करीब थे। और खास करके अमेरिका में अब उनकी घरेलू पॉलिटिक्स चालू हो गई है, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर सामने आ गए हैं। और दोस्तों आपको बताएं कि अमेरिका में 2022 में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, जिसमें माना जा रहा है कि जो बाइडन अपनी सीट खो सकते हैं। और दोस्तों अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और वो कई सारी रैलियां कर रहे हैं जिनमें जाकर वो जनता को ये बता रहे हैं कि आखिरकार जो बाइडन के गलत फैसलों की वजह से अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में आ गया है। वैसे दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने से भारत पर काफी असर पड़ रहा है और भारत में अफगानिस्तान के काफी लोग शरण ले रहे हैं। साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने से पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवाद को और भी ज्यादा बढ़त मिलने की आशंका है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, भारत ने अभी तक जितने भी काम इस पूरे मामले पर किए हैं वो क्या सही थे, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।